आदमी हर आदमी वहाँ पे भगदड़ मच गई थी, पर आर्मी वालों ने बहुत सपोर्ट किया है और गुफा के पास से ही पानी इतना सैलाब बहा है कि काफी पंडाल बह गए हैं। कितना मुश्किल है यहाँ पे पहुँच गए आप? हम लोग तो रास्ते में बर्फ भी पत्थर भी गिरने लग गए थे, फिर मलेटी वाले रोक भी दिया था हम लोग, तब पानी बंद हुआ तो हम लोग निकाला है वहाँ से एकदम। मतलब आपको लगा कि मतलब आपने कैजुअलिटी भी शायद देखी होगी, इंजर्ड भी देखा, कैसा माहौल था? अरे माहौल बहुत दर्दनाक था। एक लोग हमारे साथ में थे, उनके सभी कुछ आदमी मिल ही नहीं रहे थे, उनके बैग एक सब बह गए थे, वो बेचारे नंगे पैर भागे हुए। कितने जने आप थे? हम लोग 11 लोग थे सर। 11 ही बेस कैंप पे बराबर आ गए वापस की कुछ वहीं पे? नहीं, 11 लोग हम लोग आ गए, निकला बाद 5 मिनट 6 मिनट का ही अंतर है केवल, माती से ज्यादा नहीं। खौफ दहस का माहौल? अरे वहाँ का माहौल बहुत खराब माहौल है। कुछ हमने सुना कि लंगर भी जो थे वो भी जी लंगर बह गए, कुछ यात्रियों को पता ही नहीं कहाँ है, कुछ यात्री बॉडियाँ मिली हैं। वहाँ का दर्दनाक हादसा था, बहुत गलत हुआ। तो लोग कितने थे वहाँ पे, यात्रा कितने थे वहाँ? यात्रा पर्याप्त बहुत थे, आदमी था कम से कम हमारे ख्याल से 15-20 हज़ार आदमी से कम नहीं होगा उधर थे उस टाइम। हाँ आराम से, क्योंकि हम लोग आ रहे थे तो पहलगांव वाली रास्ते से भी काफी भीड़ चल रही थी, और ये बालटाल से भी रास्ता ये वाली भी बहुत काफी भीड़ थी, थोड़ी बहुत ही भीड़ थी। और क्या आपने देखा? बस बिजली कड़कड़ाई और बारिश का सैलाब, समझने का मौका ही नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पलट के देखा तो बस बारिश पानी ही पानी नजर आ रहा था, और पानी में बैग था, लोगों की रावटी बह रही थी, टेंट बह रहे थे, लोग भी बह रहे थे, 2-4-6-8 का कैजुअल्टी तो 10 मिनट के बाद ही पता चल गई थी हम लोगों को। दैट्स ऑल। हम लोग 9 लोग यात्रा पे थे और सभी लोग हम लोग सुरक्षित हैं भोले की कृपा से। तो वहाँ से यहाँ तक आप कैसे आ गए? हम लोग वहाँ से यहाँ तक सभी लोग प्रॉब्लम तो होती ही है, लेकिन फेस करना भी पड़ता है। बाकी तो यहाँ फुल सपोर्ट हमको NDRF की टीम ने और जो यहाँ के सोल्जर्स हैं सभी ने फुल सपोर्ट किया। मान के चलिए कि 15 के समथिंग तो होंगे, 15,000, और कंटिन्यू श्रद्धालु आ ही रहे थे, बारिश हो रही थी उसके बावजूद भी आ रहे थे। ये भीड़ इसलिए भी बढ़ गई कि 2 दिन से तो यात्रा बंद थी, इस वजह से और भीड़ आज बढ़ गई।